आइए आप सभी का स्वागत है देखे सीखदा नीटिंग चैनल में तो मैं आज आपके लिए एक गमले का डिज़ाइन लेके आई आया हूँ जिसे आप वॉल हैंगिंग भी बना सकती हैं तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का ऊन लिया है जो भी आपके पास है जो आपको खूबसूरत लगे उस वैसे बना सकती हैं तो मैंने यहाँ पर देखिए क्रोसिया नंबर लिया हुआ है फोर एम एम यानी सेवन नंबर और ये टू प्लाई धागे को मैंने इसे डबल कर लिया है ताकि इसकी बुनाई थोड़ी सी एकदम टाइट हो तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे पीछे वाला धागा खींच के अपनी ओर लाएंगे सबसे पहले यहाँ पे एक चेन लेते हुए यहाँ पे बांधेंगे हम अब इस रिंग के अंदर डालते हुए हम आठ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन यानी थ्री फोर सिंगल क्रोसिया फाइव सिंगल क्रोसिया सिक्स सिंगल क्रोसिया सेवन सिंगल क्रोसिया और ये एट सिंगल क्रोसिया ये धागे को खींचेंगे सबसे पहली वाली चेन में हम डालते हुए इसे जोड़ लेंगे थोड़ा तो सा टाइट चेन है तो थोड़ा सा पहली बार आप डालेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत लगेगी पहले चैन से निकाल लेंगे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया लेंगे हमने एट सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है अब सब में डबल कर देंगे टू टू करते हुए यानी सिक्सटीन करेंगे हम वन सिंगल क्रोशिया टू सिंगल क्रोशिया फिर नेक्स्ट चेन पे डालेंगे यहाँ भी टू करेंगे वन सिंगल क्रोशिया टू सिंगल क्रोशिया इसी तरह से करते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे हर चेन में टू टू सिंगल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करना है टोटल हमने सिक्सटीन सिंगल क्रोशिया करके कंप्लीट कर लिए फर्स्ट चेन पे डालेंगे यहाँ पे और इसे इस तरह से जोड़ लेंगे अब यहाँ से फिर से वन चेन लेंगे और अब हमें थर्टी टू सिंगल क्रोशिया करना है यानी फिर सभी में डालते हुए हम डबल करेंगे हर चेन में दो दो सिंगल क्रोशिया करना है वन टू फिर नेक्स्ट वाले चेन पे डालेंगे वन सिंगल क्रोशिया फिर सेम इसी चेन पे डालेंगे टू सिंगल क्रोशिया था। तो थर्ड लाइन भी हम इसी तरह से करेंगे तो फर्स्ट राउंड में एट दूसरा में सिक्सटीन और तीसरा में थर्टी टू तो चलिए कर लेते हैं तीसरा राउंड भी यहाँ थर्ड लाइन भी हमारी कंप्लीट हुई फर्स्ट चेन पे डालते हुए हम यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ लेंगे वन टू थ्री राउंड कंप्लीट फोर्थ राउंड के लिए हमें फर्स्ट चेन पे टू सिंगल क्रोशिया करेंगे वन सिंगल क्रोशिया सेमीसी चेन में डालेंगे एक और टू सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट चेन पे वन सिंगल क्रोशिया फिर नेक्स्ट चेन पे वन सिंगल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में टू यानी फर्स्ट में टू फिर वन वन फिर टू इसी तरह से करते हुए करना है फर्स्ट चेन में हम डालेंगे टू सिंगल क्रोसिया फिर उसके अगले चेन में वन सिंगल क्रोशिया उसके अगली चेन में वन सिंगल क्रोसिया और उसकी अगली जो चेन आएगी उसमें दो करेंगे और इसके बाद दो करने के बाद फिर अगली चेन में फिर एक सिंगल क्रोसिया फिर उसकी अगली चेन में एक सिंगल क्रोसिया यानी तीसरे नंबर की जो चेन आएगी उसमें हम दो सिंगल क्रोशिया करेंगे एक और ये दो चलिए इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेते फोर राउंड भी तो देखिए फोर्थ राउंड भी हमारी कंप्लीट हो गई वन टू थ्री फोर फिफ्थ राउंड में एक चेन लेंगे और सभी चेन में डालते हुए हम एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए फिफ्थ राउंड कंप्लीट करेंगे और इसी तरह का एक पीस और आपको बना के रखना है ताकि मैं आगे का प्रोजेक्ट जो बनाऊँ वो मैं आपको बता सकूँ तो इसी तरह से फिफ्थ राउंड तक एक और आपको एक इस तरह का बना के रख लेना है राउंड शेप में जैसे ये बना रहे हैं सेम उसी तरह से एक इसे भी बना के रख लेना है लेकिन डबल धागे से ताकि इसकी ठोस बुनाई हो एकदम और टाइट बुनाई हो और सिंगल क्रोसिया ऐसे ही करना है आपको तो चलिए ये राउंड हर चेन पे डालते हुए एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे लाइन बताते हैं इसी तरह से करते हुए मैंने फिफ्थ राउंड कंप्लीट किया आप ये पॉट को बड़ा भी बना सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे एट डबल एट सिंगल क्रोसे से शुरू किया है तो आप यहाँ पर ज़्यादा भी डाल सकती है टेन डाल सकती हैं ट्वेल्व डाल सकती हैं जितना बड़ा आप बनाना चाहें पॉट को तो अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हमने कर लिया पे आधे चेन में पे आधे चेन से इसकी बुनाई करेंगे इस में, फिर सिंगल हाफ सेन में करना है जो मेरी तरफ का चेन है इसे नहीं करना जो उधर की और बाहर की साइड है उस चेन में डालते हुए यानी आधे में डालते हुए हमें सिंगल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करना है इस तरह से तभी ये पॉट की सेप पाएगी इस तरह से करते हुए आधे चेन में बुनाई करते हुए सिक्स राउंड कंप्लीट करेंगे हम फिर दिखाती हूँ आगे कि कितनी लाइनें आपको बनानी है तो चलिए आधे चेन से बुनाई करते हुए सिक्स राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं सिक्स राउंड हमारी कंप्लीट हुई अब यहाँ पे एक चेन लेंगे अब पूरी चेन में बनाना है अब आधे में नहीं बनाना है सिर्फ एक ही बार आपको आधे चेन में बनाना है उसके बाद आपको पूरी चेन में बनाएंगे तो इसी तरह से करते हुए हर चेन में डालते हुए एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए देखिए मैंने कितनी राउंड बना के रखे हुए मैं आपको दिखा देती हूँ आप उसी तरह से बनाएं अब कहीं भी बढ़ाना नहीं है आके यहाँ फिर जोड़ेंगे फिर अगले राउंड शुरू करेंगे तो इसी तरह से करते हुए मैंने देखी जहाँ आधे चैन से मैंने बुनाई की है यहाँ से फिर मैंने देखी कितनी राउंड की है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स राउंड बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है तो आप भी सिक्स राउंड करें या तो फिर सिक्स राउंड से ज़्यादा बड़ा बनाना चाहती हैं तो उतना बड़ा कर लें तो चलिए आगे का बताती हूँ कि क्या करना है इसे अब देखिए हमें इन सी चीज़ों की क्या क्या जड़ चाहिए तो मैंने एक रिंग बना लिया है धागो दो उंगली में मैंने दो तीन बार धागे लपेट के उसके बाद मैंने सिंगल क्रोशिया बनाते हुए एक रिंग बना लिया अगर आपके पास इस तरह से ना हो तो वायर से रिंग बना लें उसके बाद देखिए मैंने ये बनाया हुआ है एक पत्ते बनाए हैं जो आपने देखें मैंने अगली वीडियो में इसको वीडियो डाली हुई है और उसके लिए फिर मुझे कॉटन चाहिए अगर कॉटन ना हो आपके पास तो जो भी आपकी बची खुची ऊन होती है ना उसे आप कुतर लें और उसके बाद फिर इसके अंदर भरना है हमें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सुई में धागा पिरो लिया है हमने तो एक गांठ लगा लेंगे सबसे पहले और जो ये मैंने बनाया था इसी के नाप का मैंने जैसे पीछे भाग का मैंने बताया हुआ था इसी के नाप से एक और आप बना लेना है अब देखिए यहाँ से इसकी बुनाई शुरू करेंगे ये इसके सिलना शुरू करेंगे इसे इसकी पूरी चेन में लेते हुए नहीं सिलेंगे जो बाहर का चेन है इसे नहीं लेंगे जो अगर अंदर की ओर चेन है इसे लेंगे और इसे फूल लेंगे इस तरह से फिर बाहर वाले अंदर की चैन लेंगे और इसे जो ग्रीन कलर का इसे पूरा लेंगे इस तरह से फिर से देखिए ये जो चेन दिख रही है आपको दो भाग का चेन है तो अंदर का साइड का ऑरेंज कलर का चेन लेंगे और ग्रीन कलर का पूरा चेन लेंगे हम इस तरह से इसे साइड से इस तरह से सिलते हुए हम यहाँ तक पूरा राउंड करेंगे अंदर में हम रुई को भरेंगे और भरने के बाद फिर इसे पूरी तरह से बंद कर देंगे तो चलिए इसी तरह से सिलते हुए हम बीच में रुई भर लेंगे उसके बाद फिर दिखाते आगे आपको ठीक है मैंने देखिए अंदर में रुई भरते हुए मैंने इसे सिल को सिल के मैंने इसे तैयार कर लिया और देखिए कहीं से भी एक छोड़ लेंगे यानी हमें इसे हैंगर बनाना है तो एक यहाँ से लेंगे एक इधर से और एक इधर से तो यहाँ सबसे पहले क्रोसी डालेंगे हम आधे भाग पर क्रोसी डालें यहाँ पर थोड़ा सा डालते हो यहाँ पे हम इस तरह से निकालेंगे इसे और यहाँ पे बांध लेंगे सबसे पहले बांध लेना है अब यहाँ से चेन लेना शुरू करेंगे हम एक चेनी से भी काउंट कर लेंगे इसे टाइट कर लें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी बनाया। आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा भी बना सकते हैं ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर हमने बनाया और जो हमने ये रिंग बनाया हुआ है इस रिंग के अंदर डालते हुए एक हम इस तरह से इसे यहाँ पे जोड़ लेंगे अब यहाँ पे धागे को कट कर देंगे तो देखिए ये एक साइड की हमारी बन गई इसी तरह से एक हमें यहाँ से लेना है अब चार या तीन ले सकती हैं एक हमने लिया फिर एक यहाँ साइड से लेंगे और एक इस साइड से लेंगे यानी तीन लेंगे हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो चलिए इसी तरह से बनाते हैं फिर हम इसे इसे यहाँ जोड़ लेंगे उसके आगे दिखाती हूँ कि क्या करना है आपको तो देखिए मैंने तीनों धागों को तीन साइड से बांध लिया है यहाँ पे आके इस तरह से मैंने बांधा है अब क्या करना है इन तीनों धागों को इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ से धागा लपेटते हुए इस तरह से करते हुए ऐसे ले लेंगे और इन धागों को सारे को लपेट लेंगे इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा धागा निकला हुआ हो वो थोड़ा सा हम इस तरह से करते हुए इसे इस तरह कर लेंगे तो देखिए तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा उसके बाद जो हमने ये पत्ते बनाए हैं पत्ती को यहाँ पे गोंद लगाना है आपको गोंद लगाने के बाद इसे हम इस तरह से ऐसे इस तरह से गमले पे लगा देना है और ये जो हैंगर वाला पॉट है यानी आप कहीं भी इसे फिर लटका सकती हैं और चाहे तब तो छोटे छोटे फ्लावर इसमें से यहाँ से निकाल के फ्लावर नीचे लटकता हुआ बना सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई बहुत लंबी हो जाती इसलिए मैंने छोड़ दिया धागे को फिर आप इस तरह से करते हुए यहाँ बांध लेना है कट कर लेना है आपको और देखिए फिर इस तरह से हम इसे रखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा ये हमारा पॉट देख के देखिए ये लटकता हुआ कहीं भी आप इसे लगा सकती हैं बीच में फ्लावर भी लगा दें आप और लरी बना सकती हैं फ्लावर वाली लरी तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है कितनी खूबसूरत से लग रही है ये तो आप भी बनाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज के वीडियो आपको कैसा लगा फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आप सबके लिए तो तब तक के लिए थैंक यू